हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है सोलन नंबर वन। तो गाइस ये एक इंडियन विस्की है, एक ब्लेंडेड विस्की है एंड इट इज़ मेड बाय मोहन मीकिंस, वही मोहन मीकिंस जो ओल्ड मंक बनाते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट मोहन मीकिंस तो मेरा ओल्ड मंक रम का रिव्यू देखिए, मैं लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा। Please go ahead and watch the history as well as everything about Mohan Meakins as a company. So it was established in the year 1855 by Edward Dyer and it was established as a brewery. But uske baad jab unhone socha ki wahan pe spirits produce kare, to then he imported copper stills from UK, jisme ye whiskey aaj bhi banti hai in copper stills. जो कि इसका एक मेन यूएसपी है दैट इट इज़ मेड इन कॉपर स्टिल्स, जबकि जो नॉर्मली ब्लेंडेड विस्कीज होती हैं इट इज़ मेड अप इन कॉलम स्टिल्स। तो दैट इज़ मोर और लेस अबाउट दिस विस्की। दिस बॉटल इज़ ऑफ 750 ml विच आई गॉट फ्रॉम दिल्ली फॉर 410 rupees। तो नॉट मच प्राइजी बट देखते हैं कि क्या अच्छी है ये विस्की। So, before I go ahead and make a pour of this whiskey, I would like to tell you कि इसमें added flavorings हैं, added colors हैं and it is a blend of malt, matured malts as well as grain neutral spirits. तो चलिए देखते हैं कि कैसी है ये whiskey. Let's go ahead and open it and let's see what this whiskey has to offer. चलिए, this is Solan number one for you. चलिए करते हैं unboxing. That's solo number one for you guys. चलिए खोलते हैं एंड करते हैं थोड़ी सी पोर। चलिए So guys, let's get on to the nosing of the whiskey and let's see what this whiskey has to offer. चलिए अगर मैं कलर की बात करूं तो एक गोल्डन कलर है इसमें। चलिए let's get on to the nosing. एक स्वीट अरोमा है ऑफ द whiskey प्लस एक maltiness है इन whiskey. A bit of floral notes is what I can get out of it. Fruitiness, a bit of fruitiness is something that I can get. A bit of vanillin, yes. Chili, let's get on to the tasting. Let's see what this whiskey has to offer on the taste. Upfront sweet flavors, but there is quite a bite of alcohol in it. There's a bit of astringency that I can feel at the back of my throat. एक हल्का सा कड़वापन है इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश नहीं है इसकी, शॉर्ट फिनिश है। चलिए let's get on to the second taste. Let's see what did I miss. बहुत ज़्यादा स्मूथ विस्की नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। पंच है अल्कोहल का, एक बाइट है अल्कोहल का विच आई कैन स्टिल फील इन माई माउथ, बट येस देर आर फ्लेवर्स ऑफ मॉल्टीनेस इन इट, देर आर फ्रूटी फ्लेवर्स इन इट, देर आर वनीला फ्लेवर्स इन इट ऑफ कोर्स, बट वो एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर जो है, वो कड़वाहट जो है वो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ अपने थ्रोट के एंड पे। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ अबाउट दिस विस्की एज इट इज़। लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर इन द कंपैरेटिव टेस्टिंग। तो चलिए चलिए
स्ट्रेंजली थोड़े फ्लेवर्स खुल गए हैं विस्की के. आई कैन गेट अ बिट ऑफ फ्लोरल नोट्स इन इट इन एडिशन टू द मॉल्टीनेस एंड फ्रूटीनेस. एक हल्के से मुझे कंट्री स्पिरिट के अरोमाज आ रहे हैं इसमें, जैसे कि कंट्री स्पिरिट में आते हैं हल्के से प्लास्टिक टाइप अरोमाज जो कि अदर कंट्री स्पिरिट्स में आते हैं, वो अरोमा आ पा रहे हैं मुझे. मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट्स दैट हैव बीन एडेड इनटू इट. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. वेल दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. इसका अल्कोहल का पंच तो कम हो गया है बाय एडिंग वाटर इनटू इट, बट वो एस्ट्रिंजेंसी अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ एट द बैक ऑफ माय थ्रोट. प्लस वो जो एक कंट्री स्पिरिट के नोट्स हैं वो अब इसमें खुल गए हैं, वो हल्के से प्लास्टिकी टाइप ऑफ नोट्स वो खुल गए हैं इसमें ऑन द टेस्ट प्रोफाइल. देर आर वेनिला फ्लेवर्स इनटू इट, देर आर fruity flavors into it, of course there is maltiness into it as well, but wo country spirit wale jo hain aromas zyada khul ke aa rahe hain ab. to chaliye let's get on to the second taste and let's see ki maine kya miss kiya. guys it's more or less the same thing that I can get in the second taste as well. jo finish hai wo bahut hi short hai, matlab पियो और ख़त्म हो जाती है, फ्लेवर कोई रहता नहीं है ऑन योर पैलेट. सो अगर इस विस्की की मैं बात करूँ तो प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एज इट इज़, डू ड्रिंक इट बाय एडिंग वाटर और सोडा या फिर कॉकटेल्स में यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट दैट कैन बी यूज्ड इन कॉकटेल्स. बट येस दैट्स मोर ऑर लेस अबाउट दिस विस्की. तो चलिए अगर मैं इस विस्की के एफिशिएनाडोज़ रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट 7.5 एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट 6.5. सो इस विस्की का एफिशिएनाडोज नंबर होता है 7. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस विस्की एज ऑफ नाउ. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप मुझसे कौन सी विस्की अगली रिव्यू करवाना चाहते हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड एज वी से इन एफिशिएनाडोज डेन, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. And always stay classy and cheers.